been flourishing across the world. These traditions are based on philosophies that did not spring from merely intellectual exercises. These philosophies are based on actual experiences of realized souls who were seekers of the ultimate truth and had realized it for themselves. That is why these philosophies are called darshana or direct vision, and the founder of every school is called a seer, that is drashta or darshanik. देवी और स्वजन अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को महर्षि पतंजलि ने इन शब्दों में व्यक्त किया था, दुखों में वो सर्वम विवेकी न हो, और भगवान बुद्ध ने कहा था सर्वम दुखम। कलांतर में गुरु नानक ने कहा नानक दुखिया सब संसार। लेकिन इन सभी ईश्वरीय विभूतियों ने दुख से निकलने का मार्ग भी सुझाए हैं। मानवता के दुख के कारण का बोध करना और उस दुख को दूर करने का मार्ग दिखाना पूर्व के मानववाद की विशेषता है, जो आज के युग में और अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की पद्धति स्थापित की, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को प्रकाशित किया, गुरु नानक देव जी ने नाम सिमरण का रास्ता सुझाया, जिसके लिए कहा जाता है नानक नाम जहाज है जो धोए सो उतरे पार। कभी कभी कहा जाता है धर्म का जहाज हिलता डोलता लेकिन डूबता नहीं है। धर्म धम्म की अवधारणा भारतीय चेतना का मूल स्तर रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है धार्यते अनेन इति धर्म, अर्थात जो सबको धारण करता है यानी आधार देता है और धर्म है। धर्म की आधारशिला पर भी पूरी मानवता टिकी हुई है। राग और द्वेष से मुक्त होकर मैत्र करुणा और अहिंसा की भावना से व्यक्ति और समाज का विकास करना पूर्व के मानववाद का प्रमुख संदेश रहा है। नैतिकता पर आधारित व्यक्तिगत आचरण तथा समाज व्यवस्था पूर्व के मानववाद का व्यवहारिक रूप है। नैतिकता पर आधारित ऐसी व्यवस्था को बचाए रखना और मजबूत बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। हमारी परंपरा में यह कहा जाता है कि जिस समाज में धर्म की रक्षा की जाती है वह समाज भी धर्म का संरक्षण प्राप्त करता है। धर्म रक्षति रक्षित हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पाथ ऑफ धम्म और वर्चूज इज ए ह्यूमनी पाथ। लविंग काइंडनेस और मेटा कंपैशन और करुणा, सेल्फलेस जॉय ऑफ मुडिटा एंड इक्विनिमिटी ऑफ उपेक्षा आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ईस्टर्न ह्यूमनिज्म एज प्रोपाउंडेड by the Buddha. Eastern humanism looks at the universe as a moral stage and not as a material battleground. In the building and sustaining of this moral order, every individual has to be action oriented and not really on fate. The great Indian epic Mahabharata contains this statement by Bhishma Pitamah: I consider personal efforts to be above all. Believe in the fact makes men dull. Purusham hi param mane devam nischitya mohyote. Eastern humanism believes that blind impulses lead to individual fights and even wars between countries. When India proclaims on the global stage that the entire world is but one family, Vasudeva Kutumbakam, it proclaims its commitment to Eastern humanism. We feel happy that
the international committee was very enthusiastic in adopting June 25 as the International Day of Yoga in 2015. This highlights universal appeal of Eastern humanism, when India emphasizes that peace, not war, is the way forward. India expresses its commitment to Eastern humanism. In recent times, India has been trying to correct many prevailing global perceptions, but the idea of progress, development, and a fair world order. देवियों और स्वजनों, मुझे ये देखकर गर्व होता है कि हमारे देश की परंपरा में धर्म को समाज व्यवस्था और राजनीतिक कार्यकलापों में प्राचीन काल से ही केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा में अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष का स्थान दिया गया था। स्वाधीनता के बाद हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, उस पर धर्म धम्म का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ में स्तंभ से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र सुशोभित है। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे धर्म चक्र प्रवर्तनाय का प्राचीन ध्येयवाक्य अंकित है, जो सारनाथ में दिए गए भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाते हैं और हमारे लोकतंत्र को उस महान शिक्षा से जोड़ता है। राष्ट्रपति भवन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। राष्ट्रपति भवन के सबसे प्रमुख कक्ष में भगवान बुद्ध की लगभग 1500 साल पहले की एक प्रतिमा शोभायमान है, जो अभय मुद्रा में सभी उपस्थित व्यक्तियों को आशीर्वाद प्रदान करती है। भगवान बुद्ध से जुड़ी अनेक कलाकृतियां राष्ट्रपति भवन में विद्यमान है। गोया में पीपल की जिस वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने थे, उसके दो पौधे मंगवाकर राष्ट्रपति भवन के उद्यानों में लगाया गया। मेरी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लगाए गए वो पौधे भगवान बुद्ध की विरासत के साथ राष्ट्रपति भवन के संबंधों को जीवंत बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति भवन के स्टेट कॉरिडोर में धर्म धम्म परंपरा का कलात्मक रूप देखा जा सकता है। वहाँ श्रीमद् भागवत गीता के लगभग 70 श्लोक कुशल कलाकारों द्वारा लिखे गए हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महाकारुणिक भगवान बुद्ध के अहिंसा तथा करुणा के संदेश को अपने जीवन मूल्य तथा कार्य के द्वारा प्रसादित करते थे। बापू की प्रार्थना का आरंभ एक बौद्ध मंत्रों से होता था। उनकी प्रार्थना में गीता तथा अन्य उपनिषद के श्लोक पढ़े जाते थे। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने एक आदर्श राज्य की अवधारणा को राम राज्य का नाम दिए थे। धर्म धम्म की हमारी परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सर्व मंगलम और सर्वदा भला की प्रार्थनाएं हमारे जीवन का हिस्सा रही है। यही पूर्व के मानववाद का सार तत्व है और यही आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत भी है। ये सम्मेलन मानवता की एक बड़ी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसीलिए मैं एक बार फिर सभी आयोजकों की सराहना करती हूँ। मुझे पता चला 15 देशों से और आए हैं ज्ञानी, गुणी, महात्मा, गुरु, भिन्न भिन्न धर्म के। साथ ही साथ ये सम्मेलन 3 दिन चलने वाले हैं। मुझे लगता है ये 3 दिन का चिंतन मंथन आगामी मानव समाज को
ये एक ऐसे संदेश देना चाहिए, देश विकास होना चाहिए, विकास के साथ साथ मानवता को बनाए रखने के लिए एक संदेश दी जाए, दूर दूर तक, आत्मा आत्मा तक, मनुष्य मनुष्य तक, विकास ताके से आत्मिक विकास, धार्मिक विकास भी होना चाहिए। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि समस्त विश्व समुदाय पूर्व के मानववाद से लाभान्वित हो और धरती माता की सभी संतान शांतिपूर्ण तथा सुखमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट फॉर योर एनरिचिंग एड्रेस। मे आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम।